बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 3rd की इंग्लिश, माय हैप्पी होम। तो व्यूअर्स, बड़े दिनों बाद कुछ मशरूफियात की वजह से आपके सामने नहीं आ सका था, तो आज स्टार्ट लेते हैं माय हैप्पी होम क्लास 3rd की इंग्लिश की। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले नेम योर फैमिली मेम्बर्स, अपने घर वालों के नाम बताओ। हु डू यू लाइक द मोस्ट, आप किसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो? तो आई लाइक माई होल फैमिली वेरी मच, मैं पूरे ख़ानदान को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। माई नेम इज़ बानो, मेरा नाम बानो है। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, मैं छोटे घर में रहती हूँ। लिव की मानी रहना, लिव्ड, लिव्ड थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। आई कॉल इट अ हैप्पी होम, मैं इसे खुशहाल घर कहती हूँ। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ठीक है, पुकारना, मैं इसे खुशहाल घर पुकारती हूँ। आई हैव एन एल्डर सिस्टर, मेरी एक बड़ी बहन है। एंड अ ब्रदर, और एक भाई है। हु इज़ यंगर देन मी, जो कि मुझसे छोटा है, यंगर, छोटा। माई पेरेंट्स टेक गुड केयर ऑफ अस, मेरे वालिदैन हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो लिव विद अस, मेरे दादा और दादी भी हमारे साथ रहते हैं। वी ऑल फील वेरी हैप्पी विद ईच अदर, हम सब एक दूसरे के साथ बहुत खुशी फील करते हैं, महसूस करते हैं। और अंकल, आंट्स एंड कज़न कम एंड मीट अस, हमारे चचा चचियाँ और चचाजात बहन भाई हमारे घर आते हैं और हमसे मिलते हैं। वी आल्सो गो एंड विजिट देम ऑन द वीकेंड और ड्यूरिंग वेकेशन, हम भी उनके पास हफ्तावार छुट्टियों में मिलने जाते हैं या गर्मियों की छुट्टियों में। इट इज़ ऑल फन, इट इज़ ऑल फन, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा, इससे बहुत मज़ा आता है। माई हाउस हैज़ 3 rooms, मेरे घर के 3 कमरे हैं। ए किचन, एक बावर्ची खाना है। एंड अ फैमिली रूम, और एक फैमिली कमरा है। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने एक छोटा बागीचा है। इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब है? सामने। आई लव टू वाटर द प्लांट इन द इवनिंग, शाम के वक़्त पौधों को पानी देना मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ। आई आल्सो कीप अ वाइट किटन एज ए पेट, मैंने एक बिल्ली का बच्चा भी पाल रखा है, या मैं एक बिलुंगड़ा भी पालती हूँ। आई कॉल इट किटी, मैं इसे किटी कहती हूँ। माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल मी दैट अ हैप्पी होम प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन एंड हेल्प देम ग्रो इन देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स, मेरा दादा मुझे बताता है कि खुशहाल घर बच्चों की हिफाजत करता है, उनकी सलाहियतों और महारतों के बढ़ाने में उनकी मदद करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स की मानी हिफाजत करना, चिल्ड्रन बच्चे, हेल्प मदद करना, ग्रो बढ़ाना एबिलिटीज, सलाहियतों के, स्किल्स, महारतों को। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे टेल अस इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने वालिदैन और दादा दादी की बातें गौर से सुनें जब वो हमें कोई अहम चीज़ें बताते हों। जब हमारे दादा, ये भी बहुत अहम है कि जब हमारे वालिदैन या दादा दादी हमें कोई अहम चीज़ें बताते हों तो हम उनको गौर से सुनें। दिस इज़ व्हाट वी शुड डू एंड फ्यू थिंग्स वी शुड नेवर डू एज ए फैमिली रूल्स, यही वो तरीका है जिसे हमें करना चाहिए, चंद चीज़ें या काम जो हमें घर के कवानीन के मुताबिक करने चाहिए और कुछ जो नहीं करने चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी शुड डू
एंड फ्यू थिंग्स वी शुड नेवर डू एज ए फैमिली। यही वजह है कि हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए और कुछ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बतौर ख़ानदानी उसूलों के। ख़ानदानी उसूल के तौर पर हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये ट्रांसलेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि तमाम बुक्स को यहाँ पर ट्रांसलेट करें और साथ में ग्रामर का भी दोबारा इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे, लेकिन पहले ये बुक्स ख़त्म हो जाएँ। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।